भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वर शर्मा मोर्चा थौमे थे, तो कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा मोर्चा थौमे हुए थे। वही कमलनाथ सदन में एक बार फिर प्रमुख मौके पर नहीं थे मौजूद। सदन में जहां भाजपा की ओर से जय श्रीराम के नारे लग रहे थे, वहीं कांग्रेस की ओर से जय सियाराम के नारों से विधानसभा गूंज रही थी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का उत्साह देखने लायक था। वह बार बार बोलने को उठ रहे थे। स्पीकर गिरीश गौतम ने उन्हें कई बार टोका। जीतू पटवारी ने सीएम पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो आप जाने वाले हो। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई झूठ बोलना जीतू पटवारी से सीखें। भाजपा तरफ से रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के दौर में मंदिरों की जमीनें बेची जा रही थी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने चुटीले अंदाज में सीएम पर बोला कि आप आदमी तो अच्छे हैं, कमल पटेल के यहाँ आपने बहुत शानदार प्रवचन दिया, भविष्य में आप अच्छे प्रवचनकार बन सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चिरायू अस्पताल पर प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त चिरायू अस्पताल को 70 करोड़ रुपए दिया गया। आप सरकारी अस्पताल को पैसा नहीं देते, आप प्राइवेट अस्पताल को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? जयवर्धन सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले पर पूरी फिल्म बनी हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सीमित रहते हैं, वही नेता प्रतिपक्ष भिंड तक सीमित रहते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ऑप्स भदौरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अपने क्षेत्र में बिल्ली बना घूमता है, यहाँ पहलवानी बता रहा है। वहीं सीएम के वक्तव्य से पहले कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर आज 11 बजे अपना भाषण देंगे। अविश्वास प्रस्ताव में नेताओं के बीच तू-तू मैं खूब देखी गई। कुछ जायज और जमीनी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बेरोजगार नौजवान युवा पर चर्चा देखने को नहीं मिली। इसके बाद एमपी विधानसभा सत्र 2022 अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की गई। भोपाल, मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। Gracias.
माननीय बहनों और भाइयों, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बच्चों और बहनों कुलता कर या धमका कर धर्मांतरण का पाप किया जाता था। वो धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए हमने कानून बनाया। मध्य प्रदेश की धरती पर लोग लागत है प्रलोभन से धर्मांतरण किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, और इसलिए पिछले दो सालों में 113 रिटर्न दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारी सरकार बनने के बाद मैं नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ, 2020 से लेकर अब तक भूमि माफियाओं से 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। केवल भूमि मुक्त नहीं कराई बल्कि भूमि माफिया को जेल के सलाखों के पीछे भी भेजा जाए। 206 भूमि माफियाओं को एनएसए के अंतर्गत 529 एनएसए के अंतर्गत जेल भेजा, 529 का जिला बदर किया गया है। रेत माफिया को कुचलते हुए 12,000 से अधिक वाहन हमने राजसात किए हैं, 12,000 से ज्यादा वाहन राजसात किए गए, 2,00,000 हेक्टेयर रेत जब्त की गई है, और कई अपराधियों को एनएसए के खिलाफ एनएसए तथा जिला बदर एक बेहतर मध्य प्रदेश, एक समृद्ध मध्य प्रदेश, एक